स्मृति ईरानी ने नामांकन से पहले अपने पति जुबिन ईरानी के साथ बूढ़न माई मंदिर में की पूजा अर्चना, लिया माता का आशीर्वाद, बीजेपी कार्यालय पर हवन कार्यक्रम में हुई शामिल, हवन पूजन कर नामांकन के लिए हुई रवाना। जो अपने बल से जो है पूरे संसार को मोहित किए हुए हैं, ऐसी देवी जी जो है इस विजय इस इलेक्शन में जो है पूरे संसार को मोहित करके उनको विजय दिलाएंगे। स्मृति ईरानी ने नामांकन से पहले अपने पति जुबिन ईरानी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ किया रोड शो, उमड़ा जन सैलाब, गाजे बाजे के साथ झूमे लोग, जगह जगह हुई पुष्पों की वर्षा, लोगों में उत्साह। अमेठी में स्मृति ईरानी के साथ रोड शो करके सीएम योगी आदित्यनाथ फुर्सतगंज हवाई पट्टी के लिए रवाना हुए। भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने दाखिल किया नामांकन, उनके साथ पूर्व विधायक तेजपाल सिंह व विधायक रानी गरिमा सिंह भी हुई शामिल। मैं योगी आदित्यनाथ जी की आभारी हूँ कि आज मेरे नामांकन में स्वयं पधारे। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आभारी, मैं कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया। बाराबंकी में मवई थाना क्षेत्र पूर्व जिला पंचायत सदस्य विरजन सिंह की हत्या से ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, बिना उच्चाधिकारियों के जबरन शव को उठाने का पुलिस पर लगाया आरोप, गुस्साए ग्रामीणों ने लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग किया जाम, किया जमकर प्रदर्शन, पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। हमसे बताया उन्होंने कि रामचंद्र यादव ने 30 लाख रुपए दिया है द्वारका, और हमारे यहाँ गाँव का डॉक्टर प्रवीण यादव और द्वारका प्रसाद ये सब जो है मिलकर हत्या करेंगे। भैया ने हमसे बताया था कि तुम लोग होशियार हो जाओ भैया, तो मत निकलना। रायबरेली में कांग्रेस प्रत्याशी सोनिया गांधी ने अपने नामांकन से पहले कांग्रेस कार्यालय पर की पूजा अर्चना, भगवान का आशीर्वाद लेकर नामांकन के लिए हुई रवाना। रायबरेली में नामांकन से पहले सोनिया गांधी ने अपने पूरे परिवार के साथ किया रोड शो, भारी संख्या में लोग जुटे, ढोल ताशे पर झूमे लोग, जगह जगह हुई फूलों की वर्षा, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। रायबरेली में रोड शो के बाद सोनिया गांधी पहुंची चुनाव कार्यालय, किया अपना नामांकन दाखिल, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने मेरा डिबेट का चैलेंज ले लिया, उस दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उस दिन देश को पता लग जाएगा कि चौकीदार चोर है। थैंक यू। सच्चाई वही जो हम बताएं।